Hello, my dear students. Welcome once again in my YouTube channel. I think you all know today my topic is experimental based, and this is very important topic for any competitive exams also as well as for your academics. So this topic is all about Pavlov experiment. Why it is called Pavlov experiment? Because it was given by a scientist whose name was Pavlov. So I have taken four conditions here, students. So first, what we are going to do here, I am writing experiment, then which type of stimulus we are giving, and then which type of response will come. Okay, start karte hain hum log. I am using different color here. Okay, so first experiment mein dekhiye kya hai. Dog हंग्री है, प्रेजेंटेड विद फूड. एक कोई डॉग है जो कि कैसा है, हंग्री है. उसके सामने फूड लाया गया तो वहां पे सेलिवेशन हुआ. डॉग का सेलिवेशन हुआ, इसका मतलब कि फूड इज अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्स. यहाँ पे हंग्री डॉग को लाया गया है, हंग्री डॉग. और अगर हम लोग स्टिमुलस की बात करें तो फूड इज अनकंडीशन्ड स्टिमुलस. दिस इज अनकंडीशन्ड स्टिमुलस. रिस्पॉन्स अगर देखें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेलिवेशन इन डॉग एज एन अनकंडीशन और इनबॉर्न नेचुरल रिफ्लेक्स. ये एकदम इनबॉर्न है, नेचुरल है. फूड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है. दूसरी बात, क्योंकि वो हंगरी था इसलिए सेलिवेशन हुआ. दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स है बेल की, बेल बजी, रिंगिंग ऑफ बेल. डॉग में सेलिवेशन, ये एक्सपेरिमेंट था हमारा रिंगिंग ऑफ बेल, रिंगिंग. तो हमारा जो स्टिमुलस था कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आएगा. फूड आफ्टर रिंगिंग ऑफ बेल, यहाँ पे बेल के साथ फूड को लाया गया तो डॉग में सेलिवेशन हुआ. इट मींस रिंगिंग ऑफ बेल जस्ट बिफोर एवरी टाइम द फूड वाज गिवन. डॉग को लग रहा था कि जब खाना मिलेगा तो बेल बजेगी. और एक्सपेरिमेंट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. और इस स्टिमुलस में क्या हुआ कि जो बेल बजी गिवन जस्ट बिफोर द अनकंडीशन स्टिमुलस, इट मीन्स सेलिवेशन इन डॉग एज फूड इज गिवन. इसका मतलब सेलिवेशन तभी होगा जब फूड दिया जाएगा. एंड डॉग लर्न टू एसोसिएट द फूड विद रिंगिंग. डॉग को लग रहा था कि जब बेल बजेगी तो ही खाना मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट देखो क्या हुआ कि ओनली रिंगिंग ऑफ बेल, सिर्फ बेल बजी तो डॉग को सेलिवेशन हो गया, क्योंकि इससे पहले डॉग को लगा था कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा. बट ओनली रिंगिंग ऑफ बेल इज नॉट फॉलोड बाई फूड. यहाँ पे फूड नहीं दिया गया, बेल तो बजाई गई. तो दिस रिंगिंग ऑफ बेल बिकम एक्वायर्ड कंडीशन स्टिमुलस. ये कैसा हो जाएगा रिंगिंग ऑफ बेल, एक्वायर्ड है, कंडीशन क्रिएट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडीशन्ड, एक्वायर्ड कंडीशन्ड स्टिमुलस. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके रिस्पॉन्स के स्टूडेंट्स, तो सेलिवेशन ऑन रिंगिंग ऑफ बेल एज ए कंडीशनल रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन. जो सेलिवेशन होगा रिंगिंग ऑफ बेल की वजह से वो एक कंडीशनल रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन होगा. आई थिंक स्टूडेंट्स दिस पावलोव एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पावलोव एक्सपेरिमेंट है वो किस पे बेस्ड है. तो आपको याद रखना है कि दिस इज एक्वायर्ड कंडीशन स्टिमुलस. जब दिया जाएगा तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा. आप चाहें तो इसको मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें. So this is all about today's lecture, students. I hope we will meet soon with a new topic, that will be reflex action versus voluntary actions. Take care, my dear students. Thank you once again.